हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सबका फेवरेट स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट स्टाइल वेज चाउमीन की रेसिपी, जिसे बच्चे और बड़े सभी लोग पसंद करते हैं। तो हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने वेज हक्का नूडल लिया है, एक गाजर काट लिया है, ग्रीन स्प्रिंग ओनियन लिया है, रेड कैप्सिकम है, ग्रीन कैप्सिकम, थोड़ा चॉप्ड कैबेज है, वाइट विनेगर है, रेड चिली सॉस है, डार्क सोया सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है, हरा मिर्च चॉप्ड करके लिया है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, एक प्याज को इस तरह हमने काट लिया है, स्प्रिंग ओनियन का स्टेम लिया है। हमने पैन में पानी डाल दिया है। अब इसमें हम नूडल को डाल देंगे। हम नूडल को हाफ बॉईल करेंगे। हम गैस को बंद करके नूडल को 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। आपको कवर नहीं करना है तो आप खुला ही रख सकते हैं। नूडल को चेक करते हैं। देखिए, नूडल अच्छी तरह हो गया है। देख, अब इसको हम छान लेंगे। हमने नूडल को छान लिया। अब इसको हम ठंडे पानी से छान लेते हैं। नूडल आपस में चिपकेंगे नहीं। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। हम तेल को इस तरह कढ़ाई में अच्छी तरह फैला देंगे। कढ़ाई अच्छी तरह तेल के साथ गर्म हो जाएगी। पहले हम इसमें कटा हुआ अदरक डालेंगे, लहसुन भी डालेंगे, इसमें हम मिर्ची भी डालेंगे। हम फुल फ्लेम पे ही इसे बना रहे हैं। अब हम अधिक गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। इसमें हम कटे हुए प्याज को डालेंगे। पहले हमने प्याज के स्लाइस को डाला, अब हम स्प्रिंग ओनियन के वाइट पार्ट को भी डाल देंगे। अब इसमें हम कैरेट को डालेंगे, कैबेज डालेंगे, इसमें शिमला मिर्च, हम रेड शिमला मिर्च डालेंगे। रेड शिमला मिर्च ऑप्शनल है। हमको सब्जी को भी हाफ पकाना है। सब्जी क्रंची होनी चाहिए एकदम। अब इसमें हम नूडल को डालेंगे। नूडल को हम इस तरह मिक्स करेंगे। इस तरह मिक्स करने से नूडल टूटेगा नहीं। अब इसमें हम एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, एक चम्मच सोया सॉस डालेंगे, हाफ चम्मच और डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। एक चम्मच हम रेड चिली सॉस डालेंगे, एक चम्मच विनेगर डालेंगे, विनेगर ऑप्शनल है। हम इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर डालेंगे। आपको जितना तीखा खाना है उस हिसाब से डालिएगा। अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे फिर से। हमने गैस के फ्लेम को फुल रखा है। देखिए, हमारा नूडल बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम स्प्रिंग ओनियन से गार्निश करेंगे। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। हमारा नूडल बन के रेडी हो गया है। हक्का नूडल कितना अच्छा बना है। हमने वेज हक्का नूडल को बाउल में सर्व कर लिया। बहुत ही स्मोकी और बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग भी इसे बनाइए और कमेंट करके बताइए कि हमारे द्वारा बनाया गया नूडल आपको कैसा लगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।